एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक अहम और यूज़फुल फीचर सॉर्टिंग डेटा है। सॉर्टिंग मींस डेटा को रीअरेंज करना। डेटा टेक्सचुअल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी, या अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मींस मिक्स्ड लेटर्स एंड नंबर्स। अगर इस डेटा को हम किसी भी स्पेसिफाइड ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं तो इट मींस डैट वी आर सॉर्टिंग डेटा। Now let's move towards MS Excel to understand this concept. Sorting के concept को समझने के लिए यहाँ हमने एक table consider किया है जो कि employee number, employee name, department number और salary पे consist करता है, और हम यहाँ according to the salary इसे sort करना चाह रहे हैं। Sorting ascending और descending दोनों order में होती है, तो जिस भी column को आपने sort करना हो तो वहाँ पे आपने cell को active cell बना के क्लिक ऑन होम टैब। अच्छा, 2010 तक के वर्जन्स में सॉर्टिंग का फीचर आपका एडिटिंग ग्रुप के सॉर्ट एंड फिल्टर में मौजूद है, यानी होम टैब में मौजूद है, जबकि 2013-16 ऑनवर्ड वर्जन्स में ये ऑप्शन आपको डेटा टैब में मिलेगा। ठीक है, सो एट दिस टाइम वी आर वर्किंग इन एक्सेल 2010, तो ये हमें होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, जैसे ही सॉर्ट एंड फिल्टर को क्लिक करेंगे, हेयर आर टू ऑप्शंस, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो इफ आई वांट टू अरेंज दिस कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर, सो विच ऑप्शन आई विल गो विद, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई है। ठीक है, फ्रॉम लोअर रेंज टू हायर। ठीक है, और अगर हमें इसे डिसेंडिंग में करना होगा तो अगेन हम इसको एक्टिव सेल बना के सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे एंड सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हियर यू कैन सी कि जो सबसे हाईएस्ट सैलरी थी वो सबसे ऊपर आ गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेम के कॉलम को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, तो हमने नेम के कॉलम में फर्स्ट नेम को हाईलाइट करके यहाँ पे एक्टिव सेल बना के क्लिक ऑन सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फ्रॉम सॉर्ट ए टू जी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका नेम का कॉलम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से आपको जिस कॉलम की भी सॉर्टिंग करनी होगी तो आप उसको एक्टिव सेल बनाकर और होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पे क्लिक करके आप उसको सॉर्ट वाइज अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड वन कॉलम सॉर्टिंग।